इंदौर में शहर कांग्रेस की महामंत्री ने कोरोना काल को देखते हुए इम्यूनिटी वाले लड्डू बनाए हैं। मकर संक्रांति पर महिला कांग्रेस नेत्री ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इम्यूनिटी वाले लड्डुओं के साथ ही पतंग माझे का वितरण किया। इंदौर में मकर संक्रांति के मौके पर शहर महिला कांग्रेस की महामंत्री परिधि जैन ने कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए मकर संक्रांति पर घर घर इम्यूनिटी लड्डू पहुंचाए। इस लड्डू में गुड़ तिल के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि भी शामिल की गई, जो आम जनता को कोरोना से लड़ने में सहायक होगी। साथ ही छोटे बच्चों व बड़ों के लिए पतंग का वितरण भी किया गया, ताकि बच्चे भी देश की संस्कृति से परिचित हो सके। सर्वप्रथम मैं सभी अपने वार्ड क्रमांक 55 के रहवासियों और शहरवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज तो हमने बच्चों के बीच में पतंग और लड्डुओं का वितरण किया है, और जिस प्रकार से बच्चे पतंग देखकर खुशी से झूम रहे थे, उनकी खुशियाँ देखते ही बनती हैं। और लड्डुओं की मिठास, जैसे कि हम कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं, तो आज कुछ मीठा उनके बीच में वितरित करके हम एक मिठास का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि जैसे अभी तक छोटे भैया ने इतना बढ़िया आप लोगों के लिए काम किया है, अगर आगे आने वाले चुनाव में पार्टी हमको टिकट देती है, तो मैं आप सभी से आपका सहयोग चाहूँगी कि जिस तरह उन्होंने आपको कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको आगे कभी निराश नहीं करूँगी।